जो जुबो शक्ति का यानी कि जुबो योद्धा को जो आज फेलिसिटेट किया जा रहा है उसके बारे में बताया, इसके प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम के बारे में यही कहना है कि जुबो शक्ति जो है हमारे टीएमसी पार्टी, तो टीएमसी मदर है, टीएमसी यूथ है, टीएमसी महिला है, टीएमसी आईएनडीटीयूसी है लेबर में, लेकिन जो नया अभी जो वोटर बन रहा है इसका उम्र 18 साल है या उसका ऊपर में है उसका नीचे में है, इन लोग को तृणमूल कांग्रेस में लाके उन लोग को लीडरशिप देने के लिए ये युवो शक्ति का बंदोबस्त हमारे एमपी अभिषेक बनर्जी ने किया। पूरा बंगाल में इतना बेकार है, पढ़े लिखे लड़के उन लोग को कुछ काम नहीं है, उन लोग का कोई जरिया नहीं मिल रहा है, तो उन लोग को राहत दिखाने के लिए ये युवो शक्ति का बंदोबस्त किया गया है ताकि पूरा बंगाल में जितने भी यंग लड़का लड़कियाँ हैं वो युवो शक्ति के माध्यम से पब्लिक का काम करेगा, आवाम का काम। जी, जून में जब अभिषेक दा ने जुबो शक्ति को लॉन्च किया था तो तकरीबन 10 दिन में 7 लाख लोग जुबो शक्ति से जुड़े थे, अब तक कितने लोग जुड़े हैं? करीब करीब 10 लाख जुबो शक्ति में ज्वाइन हुआ अब तक, और आगे चल के और ज्यादा होगा। जी, आपके सांसद को हथरस में दाखिल होने के लिए नहीं दिया गया, यहाँ जहाँ पे नहायत ही दर्दनाक वाक्य पेश आया मनीषा वाल्मीकि के साथ, उसके ऊपर आप किस तरह निंदा पेश करते हैं? वहाँ के आंदोलन चल रहा है, हमारा ड्रैग ओबेरॉन भी उधर किया, कांग्रेस भी उसका आंदोलन किया है, तो जहाँ जहाँ मुसलमानों का ऊपर या पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों पर जो जुल्म होता है उसका खिलाफ में हमेशा हमारा ममता बनर्जी ने आवाज़ उठाया और उनका नक्शा कदम में हम लोग चल रहे हैं, हम लोग उसके खिलाफ में आवाज़ उठाए। जी, बंगाल से भी आवाज़ उठेगी इसके लिए? जरूर। जी हाजी साहब, आज वार्ड के कोऑर्डिनेटर हैं और आपने लॉकडाउन के दरमियान बेशुमार खिदमत अंजाम दिए हैं और साथ ही साथ आज जुबो योद्धा यानी कि उनको फेलिसिटेट किया गया, तो इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। देखिए, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है एमएलए साहब के नेतृत्व में ही हम लोगों ने किया है, और जुबो का लड़का जाबिर यहाँ पर ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी उसको जिम्मेदारी मिला डिस्ट्रिक्ट 24 परगना का, तो जो भी नौजवान नस्ल है उनके लिए हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं। 18 से 25 साल के बच्चे जो भी हैं वो जुबो योद्धा में आए, क्योंकि लॉकडाउन में उन लोगों ने ही मेहनत किया है, दिन रात एक किया है। हम फान में पेड़ से लेकर तार लाइट वगैरह जो भी ख़राब था, जिनको जो भी प्रॉब्लम था, ये नौजवान लड़कों ने किया है। इसलिए अगर सबसे बड़ा क्रेडिट अम्फान और ये लॉकडाउन में अगर किसी को जाता है, और ख़ास करके ये जो बीमारी कोरोना है इसमें भी अगर हमारे वार्ड में मटियाबुर्ज के सरजमीन के नौजवान लोगों ने अगर साथ नहीं दिया होता तो हम सब बेकार थे। इसलिए मैं तमाम तहदिल से मटियाबुर्ज परतल्ला नौजवान जितने भी लड़के हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर वो ना रहते तो हम सब अधूरा रहते। अम्फान में सिर्फ हम लोग नहीं निकले, हमारे एमएलए साहब भी निकले थे, और आप लोगों ने देखा था कि कुछ बीजेपी करने वालों ने साजिश के तहत हमारे एमएलए साहब के ऊपर हमला किया, और जब हम लोग उसके आंदोलन के लिए उठे तो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की वजह से हम लोग नहीं कर सके, वरना इंशाल्लाह हम लोग बहुत कुछ करते। और जिस तरह से हमारे एमएलए साहब को उन लोगों ने ज़ख्मी किया था, ये अल्लाह का बहुत बड़ा रहम है कि आज एमएलए साहब हम लोग के सामने मौजूद है। तो जिन लोगों ने यह घटिया हरकत किया था और एमएलए साहब मदद करने गए थे और इलेक्ट्रिशियन को ले जाके उन लोगों को लाइट को जुड़वाया, पानी का कनेक्शन कराया, हर कुछ कराया, उसके बावजूद कुछ गंदे लोग गंदी साजिश करते हैं, वो लोग अपनी पहचान दिखाया और उन्होंने हमारे बाप की उम्र के हमारे एमएलए हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब के ऊपर हमला किया, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं, और ये हम लोग कभी नहीं बोलेंगे। आने वाला कल उन लोगों को हम लोग जवाब ज़रूर देंगे जिन्होंने हमारे हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला के ऊपर हमला किया, और वो जवाब होगा बुलेट नहीं बल्कि बैलेट पेपर में वोट के जरिए से जवाब देंगे और बीजेपी को खत्म करेंगे। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि आज पूरे बंगाल से लोग तृणमूल कांग्रेस में जुड़ रहे हैं? ये तो हमसे अच्छा है, मेरे साथ बताएं आपसे अच्छा। इसलिए कि हमारे ममता बनर्जी ने आज 10 साल में जो कारनामा उन्होंने किया, वो कन्याश्री हो, युवस्त्री हो, स्वस्थ साथी हो, आपका सबूत साथी हो, इसके माध्यम से इतना काम किया कि आवाम खुश है, इसलिए आवाम तृणमूल कांग्रेस में इतना ज्वाइन हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहसील के साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे जनाब एमएलए साहब खालिक मुल्ला को। लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।